दीजिए। पहली बात तो मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ है नगर का नाम है राघवगढ़। राघव जी के मंदिर मेरे घर में है, जहाँ कई वर्षों से 24 घंटा ज्योत जलती है घी की और तेल की, और उसका हम लोग उसके अनुयायी हैं। और पूरे तरीके से मैं महाराज स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूँ। साथ में ये जितने भी भाजपा के जो लोग विरोध करते हैं, मेरा संघी विरोध करते हैं, मैं चुनौती देता हूँ कि मुझसे ज़्यादा हिंदू होके बता दें कितने लोगों ने नर्मदा जी की यात्रा की, बताओ जरा। पैदल हेलीकॉप्टर से करेंगे, गाड़ियों में बैठ करेंगे, चले रहे पैदल। ये लोग अधर्मी हैं जो शंकराचार्य जी को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने निर्मोही अखाड़े का हक छीना है, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय का अपमान किया कि उनको रामनेश्वराचार्य जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। ये अधर्मी है, धर्म विरोधी है, इसलिए हम इनका पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। जहाँ तक अयोध्या जी में रामलाला जी का मंदिर है, उसका पूरा निर्माण हो जाने दीजिए, उस पर कलश चढ़ जाने दीजिए, ध्वजा चढ़ जाने दीजिए, दर्शन करने जाएंगे, वो सबके साथ चलेंगे। नहीं, केवल इतना ही कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी संघ और विश्व हिंदू परिषद के आयोजन में नहीं जाएंगे। बाकी हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, जब मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा विधिवत उसमें हम लोग जाएंगे, कौन नहीं जाता है? और किसी की आजाद चाहिए, हमको इजाजत चाहिए क्या? क्या निमंत्रण से हम किसी पे जाएंगे? भगवान हमको वैसे ही बुला लेता है, जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, किसने मना किया है? इसका थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो उसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, वो 18वीं शताब्दी में किसी समय एक छोटी सी मस्जिद वहाँ बनाई गई, वहाँ मंदिर था, उसके प्रमाण मिले हैं, राजमहल भी था, उसके प्रमाण भी मिले हैं। और उसके बाद 1850 से निर्मोही अखाड़ा, जो कि हनुमानगढ़ी में रहते थे, निर्मोही अखाड़े ने सारा संघर्ष शुरू किया रामलला मंदिर के बारे में, जिसे कि गोरखनाथ हमारे जो मठ है उसके आदित्यनाथ जी के पूर्व गुरु, उन लोगों ने और निर्मोही अखाड़ा ने ये लड़ाई लड़ी पिछले 150 साल में। आरएसएस 1925 में उसका गठन हुआ, उन्होंने कभी राम मंदिर की बात नहीं की। विश्व हिंदू परिषद जो 1964 में गठन हुआ, उसने राम मंदिर की कभी बात नहीं की। भाजपा जो कि जनसंघ बनी, उसने कभी राम मंदिर की बात नहीं की। भाजपा जो 1979 में बनी, उसने चुनाव 1984 का लोकसभा चुनाव में 2 सीटें रह गईं, तब जाकर उन्होंने उसकी बात की। और आज मैंने जॉर्ज फर्नांडिस का एक देखा है बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मंडल कमिटी, हमने आयोग का निर्णय लिया वीपी सिंह जी, तो आडवाणी जी उनसे आके कहे कि आप लोगों ने ये करके हमको अब मजबूर कर दिया, अब हमको फिर से मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, यानी कि फिर से हिंदू मुसलमानों को लड़ाना पड़ेगा। यही 1925 से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कराता रहा है। सर, न्याय यात्रा कितना इफेक्ट करेगी लोकसभा चुनाव? न्याय यात्रा कितना इफेक्ट करेगी लोकसभा चुनाव? ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की